हाँ ना, कुछ नहीं, बस टीवी देख रहा था। जी सिनेमा में कभी खुशी कभी गम आ रही है। खा लिया था परवल की सब्जी। हाँ माँ, यहाँ पे सारे मौसम में सब सब्जी मिल जाती है। वो आम भेजे थे, खाए गए आप? हाँ अच्छा, खुशबू। क्या माँ, अब कपड़े तो धो के ही पहनूंगा ना मैं, बिना धुले हुए कपड़े थोड़ी ना कोई पहनता है। अरे मम्मी, मुझे कोई फ्रूट कस्टर्ड वगैरह नहीं खाना है, आप ये यूट्यूब में रेसिपी वगैरह देख के मुझे मत बताया करो। हाँ ठीक है। और शुक्ला कैसा है भाई, कैसा चल रहा है सब वहाँ पे? हाँ यार, मैंने मतलब 22 तारीख की टिकट करा के रखी थी, लेकिन फिर ये डर के कारण मैं आ नहीं पाया यार। हाँ यार, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार तुम लोगों को। भैया, एक कढ़ाई पनीर, 2 बटर नान, एक मनचाओ सूप। मनचाओ सूप के साथ ड्राई नूडल्स भेजना। अरे हाँ भैया, ले लेना ना 20 रुपये एक्स्ट्रा, वैसे भी पिछले बार आप शेजवान चटनी कम भेजे थे। तेरी एचआर से बात हुई थी? नहीं यार, मनीष तो अपना ही बंदा है, मैनेजमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया हो तो वो तो बता ही देता ना। वैसे भी ट्यूसडे को सैलरी क्रेडिट होने वाली थी, अभी तक तो हुई नहीं यार। चल ठीक है, तेरे को कुछ पता चलता है तो तू बताना। हाँ हाय राजीव। अच्छा, तुम्हारी कुछ मनीष से बात हुई थी क्या? नहीं, एक्चुअली मेरी कार्तिक से बात हुई थी, वो बता रहा था कि कुछ ऑफिस से लोगों को निकाल रहे हैं। नहीं, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ यार। नहीं, वैसे भी अगर निकालना ही होगा तो नए लोगों को निकालेंगे ना, हम तो 4 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, ये लोग तो कुछ भी बोलते रहते यार। या आई अंडरस्टैंड आंटी, या आई अंडरस्टैंड, या हाँ आंटी। वैसे वो ट्यूसडे तक सैलरी क्रेडिट हो जाती है, बट इस महीने हुई नहीं, वो क्राइसिस चल रहा है ना थोड़ा। आई अंडरस्टैंड आंटी, या आई अंडरस्टैंड। मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए ना, मैं रेंट आपको भेजता हूँ आंटी, एक एक हफ्ते का बस। हाँ आंटी, ओके आंटी। और अंकल कैसे हैं? बोला कुछ नहीं, बस मूवी देख रहा था, अराइवल नेटफ्लिक्स पे। खा लिया तुमने? आया? देखा था। ठीक है। अरे यार, अब इंसान हर वक्त एक्साइटेड थोड़ी ना हो सकता है यार, बोला तो सही ठीक है। अब हर बात पे तुम्हें ड्रामेटिक रिएक्शन क्यों चाहिए होता है यार? यार मुझे ना ये सब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हद है यार, तुम्हें हर बात पर झगड़ा क्यों करना होता है यार? यार इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तो तुम्हें ही सिर्फ अकेला फील नहीं होता है ना, और भी लोग हैं जिन्हें अकेला फील होता है। अच्छा नहीं कर, ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो बात। ओके यस सर, आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? यस सर, टेल मी। वाई सर? सर दिस इज टू सडन सर। सर आई नो दिस इज द टाइम ऑफ क्राइसिस सर, ये इट्स फॉर मी ऑल्सो ना सर। सर 4 साल से मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ सर,
और 4 साल में मैं कब हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी में रखा है सर। कोई भी काम आपका जब काम आता था सर, मैं तो आपको अपना काम करना बंद कर देता था। सर ये आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? अब आई अंडरस्टैंड सर कि रीहायरिंग जब होगी तो हमको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, बट वो उसमें 7-8 महीने लग जाएंगे ना सर, तब तक मैं क्या करूंगा सर? सर आई सर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा सर। हेलो हेलो सर, हाँ माँ। कैसा है बेटा, क्या कर रहा है, खाना खा लिया? मम्मी मैं ना बहुत बार कपड़े नहीं धोता हूँ, बिना धोए गंदे कपड़े पहन लेता हूँ। और सिगरेट भी पीता हूँ। रोज सोचता हूँ कि मैं बंद कर दूंगा पीना, लेकिन छूट ही नहीं रही है। तेरी नौकरी वोकरी चली गई क्या? आपको कैसे मालूम? पिछली बार 4th क्लास में ऐसे रोया था जब शिल्पा टीचर के सामने पॉटी कर दी थी। बप्पी यार, जब बंबई जा रहा था तब हीरो बन के बोला था ना तूने कि बंबई में सबका कुछ ना कुछ हो जाता है, बस तो फिर तेरा भी हो जाएगा। अच्छा सुन, फ्रूट कस्टर्ड बनाएगा? हाँ खा लूंगा। बताइए क्या क्या लगेगा बनाने के लिए? यूट्यूब पे देख के बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। दूध है घर में? हाँ मम्मी दूध तो रहेगा ही ना, दूध है। और सुन, वो सिगरेट वाली बात पे अभी कुछ नहीं बोला क्योंकि तू रो रहा है, उस पे कल बात करेंगे।